नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों आप अच्छे टिप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये मेरी एन अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आ रही है, और ये है भारत में मॉन्ग फ्रूट का कल्टीवेशन शुरू हो चुका है एंड इसका फील्ड ट्रायल हो रहा है और इसको एक प्राइवेट किसान के फील्ड में उगाया जा रहा है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्या है मॉन्ग फ्रूट और इसमें इतनी ताजुब की क्या बात है? तो आइए आज इस फल के बारे में जानते हैं, हमारे साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है उन सारी चीजों के बारे में भी जानेंगे, और इससे क्या किसानों को फायदा होगा और मधुमेह रोगियों को क्या क्या फायदा होगा उन सब पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों न्यूज में क्या है, तो न्यूज में आप देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट मॉन्ग फ्रूट कल्टीवेशन एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। वैसे ही आप देखें मॉन्ग फ्रूट इंडियन सॉइल में उगना शुरू हो चुका है। तो आप एक चीज देखें दोस्तों, तो ये जो फल है ना यहाँ पे, ये ड्राइड वेराइटी ऑफ मॉन्ग फ्रूट है। तो ये ड्राइड वेराइटी ऑफ मॉन्ग फ्रूट है, तो चाइना में ही इसको उगाया जाता है, बस चाइना में उगता है। और चाइना ने 2004 में, ऐसे कई जगह पे न्यूज आ रहे हैं जहां पे लिखा है कि चाइना ने 2004 में इसका फ्रेश फ्रूट का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था और सिर्फ इसके एक्सट्रैक्ट ही मार्केट में आने देता है और फ्रेश फ्रूट्स नहीं आने देता, सो दैट इसके सीड कहीं ना पहुंचे और इसको उगाना ना शुरू कर दिया जाए। तो दोस्तों क्या है ये सब, क्या ये रहस्यमयी फल है, ऐसा नाम क्यों है, क्या है ये, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये फल देख रहे हैं यहाँ पे, ये हरे रंग का तरबूज जैसा, अंदर इसको छिलका हटाएंगे कुछ ऐसा निकलेगा ब्राउन कलर का। ये जो फल है दोस्तों यही है मॉन्ग फ्रूट, और चाइना में इसको क्या कहते हैं, लोहान गुओ। साइंटिफिक नेम है इसका सिराइशिया ग्रोस वेनोरी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा नाम है, हमारे लिए तो मॉन्ग फ्रूट है और यूपीएससी भी इसको मॉन्ग फ्रूट नाम से ही पूछेगी, तो आप क्या याद रखें, मॉन्ग फ्रूट। तो ये क्या है दोस्तों, एक छोटे से मेलन, वाटरमेलन की ही, वाटरमेलन जैसा दिखने वाला फल है। और कहां पर है? तो सदर्न चाइना में, बस सदर्न चाइना में उगता है। एंड इसका ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे वो इसको सबसे पहले बार कल्टीवेट करना शुरू किए और इसका सेवन भी करते थे, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं एंड हेल्थ के एडवांटेजेस हैं, तो उस वजह से इसको खाया भी करते थे। तो दोस्तों ये बड़ा ही मीठा फल होता है, इतना ही मीठा कि जो अपना शुगर केन होता है लगभग उससे 300 गुना ज्यादा मीठा होता है इसमें जो स्वीटनिंग एजेंट है वो, तो बहुत मीठा फल है। तो आप अगर देखें तो इसमें इतना मिठास कहां से आता है, तो दोस्तों आप अगर देखें तो वो, अगर आप देखें तो ग्रुप ऑफ क्यूकरबिटेन टाइप ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड्स नोन एज मोग्रोसाइड्स के वजह से आता है। आपको क्या याद रखना है, क्या है वो स्वीटनिंग एजेंट इसमें, वो क्या केमिकल है, तो बस इतना याद रखिएगा मोग्रोसाइड्स, मोगरा से याद रखिए, मोगरा फूल होता है तो उसी से कुछ मोग्रोसाइड्स, बस इतना याद रखिए। तो क्या है स्वीटनिंग एजेंट, मोग्रोसाइड। मॉन्ग फ्रूट को मीठा कौन करता है, मोग्रोसाइड करता है, और मोग्रोसाइड अगर आप देखें तो 300 गुना ज्यादा मीठा है किससे, शुगर केन को जो मीठा करता है सुक्रोज उससे। तो आगे देखते हैं मोग्रोसाइड, अब आप समझ गए ये मीठा क्यों है, ये भी समझ गए। तो ये कहां पर उगाया जाया जा सकता है, तो दोस्तों अगर हम देखें इस फल को, मॉन्ग फ्रूट को, तो ये एक पेरेनियल क्रॉप है और 4 से 5 साल एक बार पौधा लगा दो तो चलता है, 4 से 5 साल रहता है, और करीबन पौधा लगने के 8 से 9 महीने बाद ये फल देना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों ये जो प्लांट है ये करीबन ठंडे इलाके में, मॉडरेट कूल इलाके में 16 से 20 डिग्री सेल्सियस जहां पे एवरेज टेम्परेचर हो मीन एनुअल टेम्परेचर की, और साथ में ह्यूमिड कंडीशन हो, तो वहीं पर आप इस फल को लगते हुए देखेंगे। इंडिया की बात करूं तो ऐसा कहां पर हो रहा है, तो अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात करूं 16 से 20 वाला, तो ये जो लाइट कलर में, लाइट ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं उन वाले इलाकों में, मोस्टली आप देखें तो हिमालयन बेल्ट में ही आपको मिलेगा, लेकिन साथ में ह्यूमिडिटी भी चाहिए। और सीड जर्मिनेशन रेट अगर आप देखें मॉन्ग फ्रूट की बहुत कम होती है, यानी अगर सीड डालोगे तो बहुत कम ही ऐसा सीड होगा जो कि जिसमें पौधा जिससे निकलेगा, तो सीड जर्मिनेशन रेट बहुत स्लो है और लो है, तो ये कुछ खामी भी है इस फल की। तो इस खामियों को, इसके इन सारे क्वालिटीज को समझते हुए इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हुआ यूं
कि जैसा मैंने आपको बताया इसका फल ओपनली अवेलेबल नहीं है, सीड भी इजिली मिलता नहीं है, तो क्या किया गया, आज से 3 साल पहले इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जानते होंगे ICAR, उसकी एक लैब है, क्या नाम है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कुछ करके कहीं से बीज मंगवाती है मॉन्क फ्रूट की आज से 3 साल पहले, और उसके बाद इन सीड्स को भिजवा देती है कुल्लू में। कुल्लू में क्यों, क्योंकि वहां पर एक लैब है, क्या नाम है, PSIR की एक लैब है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी एक लैब है, क्या नाम है उसका, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT, तो CSIR की IHBT जो कि पालनपुर में स्थित लैब है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, वहां पर भिजवा देती है उन सीड्स को। फिर क्या होता है, अब CSIR IHBT पालनपुर में इन सीड्स को लगाया जाता है, 3 साल तक सीड्स लगाते हैं अच्छे खासे, इससे फल होने भी शुरू हो जाते हैं, और इस बीच CSIR IHBT क्या करती है, टेक्निक्स डेवलप कर लेती है। कैसे टेक्निक्स, वो टेक्निक्स की जिसके द्वारा पता चले कि क्या एग्रोनॉमिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस है इस फल को लगाने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, क्या किया जाए तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिल सके इन सीड्स की, वैसी सीड्स जो कि क्या हो, हाई यील्ड भी दे सके। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल क्या है, क्या किया जाए जो उससे ज्यादा से ज्यादा फल मिले, वैसे ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्या पेस्ट प्रेवलेंस है, तो ये सारा रिसर्च CSIR IHBT करती है, कब, जब वो अपने यहां अपने लैब में इसको उगाती है। फिर क्या होगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा दोस्तों इसको किसान तक पहुंचाना। तो अब जाके ये न्यूज में आ रही है, क्योंकि इसको फाइनली एक इंडिविजुअल फार्मर के खेत में CSIR एज फील्ड ट्रायल उसको सीड दे दी है, टेक्निक बता दी है, और कह रही है लो तुम लगाओ और बताओ क्या रिजल्ट तुम्हें मिल रहा है, लैब में हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस बना दिए, क्या सीड्स को कैसे प्रमोट करना है, ग्रो करना है, सब समझ गए हैं, अब तुम करके दिखाओ, अगर यहां पे सक्सेसफुल हो गया तो पूरे हिमाचल और इन सारे इलाकों में जहां जहां इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट है वहां वहां पे इसको उगाया जाएगा। तो क्या, क्यों इसको इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कुछ तो कारण होगा दोस्तों। पहला कारण है, जैसा मैंने आपको बताया, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है, तो हेल्थ बेनिफिट्स है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो शुगर केन से जो शुगर डिराइव्ड है सुक्रोज वाला, तो उसके लिए बहुत ही सेफ अल्टरनेटिव है। तो आपको मालूम है जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उन सब में लीवर प्रॉब्लम से लेके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लेके हार्ट डिजीज से लेके सब कुछ हो सकता है अगर आप शुगर का सेवन ज्यादा करने लगे। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप अगर देखें तो क्या किया जाता है, तो उनको लिए कुछ सिंथेटिक स्वीटनर्स का उपयोग किया जाता है, जैसे शुगर फ्री आप जानते हैं कॉमनली यूज्ड है, तो ये सब क्या होता है दोस्तों, सिंथेटिक शुगर होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ देम में अगर आप देखें तो कुछ सिंथेटिक केमिकल है जैसे एस्पार्टम, तो उससे क्या होगा, तो दोस्तों आजकल इससे पता चला है कि इनके हेल्थ हैजार्ड्स हैं, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं, वेट बढ़ने से लेके अलग अलग प्रकार के पैल्पिटेशन से लेके दुनिया भर के इनके हेल्थ हैजार्ड्स हैं, तो इनके लिए एक नेचुरल रिप्लेसमेंट की तलाश चल रही है। ऑलरेडी काफी कुछ नेचुरल रिप्लेसमेंट्स मिले भी हैं, तो उन्हीं में से एक नेचुरल रिप्लेसमेंट बनाया जाया जा सकता है, किससे, मॉन्ग फ्रूट से। तो मॉन्ग फ्रूट से डिराइव जो स्वीटनर होगा वो नेचुरल होगा, कंप्लीटली नेचुरल, और साथ ही साथ आप देखें तो इसमें जीरो कैलोरीज होंगे, जीरो कार्ब्स होगा, और ये ब्लड शुगर लेवल को भी रेज नहीं करेगा, तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। वो जैसे स्टीविया आपने जानते हैं, सुना होगा आपने, नेचुरल, कुछ नेचुरल शुगर का ही ऑल्टरनेटिव है, वो आर्टिफिशियल ऑल्टरनेटिव है, नेचुरल ऑल्टरनेटिव है शुगर का स्टीविया, तो कुछ वैसा ही ये भी बनने वाला है मॉन्ग फ्रूट। तो इससे क्या बनेगा, तो घर में जैसे चाय दूध कुछ भी आप ले रहे हैं तो चीनी के जगह इसका टैबलेट ले सकते हैं दोस्तों। ये तो बेनिफिट हुआ इंडिविजुअल को, जिनको मधुमेह है उनके लिए एक ऐसे वरदान है। अगला देखते हैं दोस्तों किसान को क्या होगा। तो दोस्तों आज के टाइम में मॉन्ग फ्रूट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज एज अ सुपर फूड। सुपर फूड यानी क्या होता है दोस्तों, ये मीडिया का टर्म है, यानी ये उस प्रकार का खाना है जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आप देखें तो सुपर फूड की कैटेगरी में मीडिया इसको डाल रही है, एंड ऑलरेडी US में अगर हम देखें तो इसको FDA ने अप्रूवल दे दिया है एज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ
2010 से ही। इसके सिवा आप देखें तो मॉन्ग फ्रूट बेस्ड स्वीटनर्स यानी ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो मॉन्ग फ्रूट बेस्ड स्वीटनर्स अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, कनाडा में भी इसको उपयोग में लाया जाया जा चुका है। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, इस वक्त सिर्फ चाइना प्रोड्यूस कर रही है और ये चाइना के नेबरिंग इलाकों में भी, साउथ चाइना में जहां पे उगाया जाता है मॉन्ग फ्रूट, उसके नेबरिंग इलाकों में भी नहीं उगाया जा रहा है। और उसके पीछे कारण है कि एग्रीकल्चरल टेक्निक, इसको जो उगाने के लिए चाहिए, जो सूटेबल कल्टीवार एंड जो साइंटिफिक नॉलेज चाहिए इसको उगाने के लिए, वो अवेलेबल नहीं है, जो कि अब CSIR IHBT ने अब खुद अपने लैब में डेवलप कर दिया है और हिमाचल प्रदेश में किसानों को भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू कर दी है। तो CSIR IHBT का ही कहना है कि इस नए फसल से अगर आप देखें तो 3 से 3.5 लाख पर हेक्टेयर का फायदा किसानों को होता हुआ दिखेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो CSIR IHBT के ही साइंटिस्ट का कहना है कि इसके जो ग्लोबल मार्केट उत्पन्न होने वाली है मॉन्ग फ्रूट से, वो करीबन 37.94 करोड़ या 38 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बाय एंड ऑफ 2026 जनरेट कर सकती है, जिस पर इस वक्त चाइना का पूरा कंट्रोल है एंड ये इससे बड़ा भी होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ा किसानों के लिए भी रेवेन्यू का सोर्स ये मॉन्ग फ्रूट बन सकता है इन इलाकों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया हो। तो लाइक जरूर करें, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS SA ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड दोस्तों आपको बता दूं, मैं इस वक्त हम किताब सीरीज भी रन कर रहे हैं जिसमें 2 किताब हर हफ्ते कवर किए जाएंगे, जो कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली UPSC प्रिपरेशन में मदद करेंगे। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं हम ऑप्शनल में भी टेस्ट सीरीज ले आए हैं। तो अगर आप GS प्लस ऑप्शनल लें तो 1 साल का अगर आप लेंगे तो इसकी कॉस्ट है 57,500 रुपीज, जिसमें GS प्लस है। अगर आप आइकनिक GS प्लस ऑप्शनल लें तो उसकी 1 साल की कीमत है 76,500 रुपए। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं GS ऑप्शनल के साथ फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज है 15,000 रुपए की। तो इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो 21 टेस्ट है, 16 सेक्शनल टेस्ट हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके सिवा अनअकैडमी प्रॉमिस भी है जो कि 21 जुलाई तक चल रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो हम आपको गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर वन, तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपकी मीन्स 2022 तक लास्ट करेगी, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मीन्स 2023 तक लास्ट करेगी। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी प्रॉमिस है 2 साल का सब्सक्रिप्शन, अगर आपका उसके बाद यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपको 1 साल का एडिशनल एक्सटेंशन दे देंगे। अनअकैडमी नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। और इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो टेस्ट सीरीज भी है 30,000 रुपए की GS की, जो कि फ्री है, जिसमें 80 टेस्ट है, 50 प्रीलिम्स के टेस्ट है, 30 मेंस के टेस्ट है। एंड साथ साथ दोस्तों लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉम्बो में तो काफी ज्यादा डिस्काउंट आपको एडिशनल दे ही रहे हैं, तो आपको ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज मिल रही है। दोस्तों ये सारा बेनिफिट इसी वक्त तक अवेलेबल है, 21 जुलाई तक। तो जब भी आए अनअकैडमी यूज कोड KC10, क्योंकि इसके 2 साल का कॉस्ट है, प्लस सब्सक्रिप्शन का अगर आप सिर्फ प्लस लें तो 64,800 रुपए, 2 साल के आइकनिक का कॉस्ट है 1,04,175 रुपए, सारा कॉस्ट है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करें। और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें दोस्तों तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 1 साल की 24,750 रुपए। और इसके सिवा अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 21 जुलाई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं जिसका हिस्सा आप जरूर बने। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, फ्री टेस्ट सीरीज भी है, तो KC10 से आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।